उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ईसी के फैसले पर रोक से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश, वित्त मंत्री बोले यूपी में तेजी से बढ़ रहा निवेश। यूपी के बजट पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट, लिखा यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए। बजट पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, बताया खोखला, कहा किसी भी वर्ग को नहीं मिला लाभ, धरातल पर नहीं उतरती सरकार की घोषणाएं। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, शैली ओबराय बनी नई मेयर, बीजेपी के रेखा गुप्ता को हराया। जासूसी केस में मनीष सिसोदिया पर चलेगा केस, सिसोदिया बोले झूठे केस में फंसाना कमजोर की पहचान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी पर कसा तंज, कहा एलजी साहब ने कानून व्यवस्था पर मीटिंग ली, अच्छा लगा, दिल्ली में एक साल से कानून व्यवस्था बेहद खराब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एमपी का दौरा 24 फरवरी को सतना में, कोल जनजाति महाकुंभ के कार्यक्रम में होंगे शामिल, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर बोला हमला, छत्तीसगढ़ में ईडी और सीडी का खेल चल रहा, चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका फायदा। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स, पूजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को मिलेगी छूट।